हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे अकाउंट्स में यूज होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। मैंने पिछली क्लास में आपको कैपिटल लायबिलिटी और जो हमारा इनकम होता है हमने उसको इनडेप्थ मीनिंग में लेकर आए थे। मैंने आपको बताया था अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री का मतलब होता है डुअल एस्पेक्ट, एक जब कुछ आएगा जाएगा वो बताना और साथ ही उसके रीजन को भी बताना। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में समझना शुरू किया था। आज उसका एप्लीकेशन दोबारा देखेंगे बच्चे, आज देखेंगे और आज से तो ऑनवर्ड सारी बात हम यही स्टडी करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है ना वो है आपका जनरल एंट्री को लेकर। जनरल एंट्री सर, ये जनरल एंट्री क्या होता है मेरे बच्चे, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। आप हिंदी बोलते हो, मैं हिंदी बोलता हूं। आप इंग्लिश बोलते हो, मैं इंग्लिश बोलता हूं। आप तमिल बोलते हो, आप मलयालम बोलते हो, आप पंजाबी बोलते हो, आप भोजपुरी बोलते हो। बहुत सारी भाषाएं हमारी हैं जो हम बोलते हैं। वो एक लैंग्वेज है बच्चे जिसमें हम अपनी बातों को इंटरप्रेट करते हैं। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर में जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बोलने का, बताने का एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं आपका यहां पे जनरल एंट्री, जहां से शुरुआत करेंगे। तो मैं आज ना आपको अकाउंटिंग में बोलना कैसे सिखा जाएगा, बोलना कैसे सिखा जाएगा वो बातें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आपको बिल्कुल दिमाग शांत रखना है और अभी अगले 3-4 क्लास तक आप ना तो किसी बुक को टच करेंगे ना कुछ और, बस मेरी बातों में विश्वास करेंगे। अगले 3-4 क्लास तक जितना मैं बोलूंगा उतने ही मैं अपने आप को लिमिट रखना है। हाँ, जब 4 क्लास के बाद जब मैं बंदिशें तोड़ दूंगा तो आपको जितना देखना है, जहां देखना है, जो पूछना है पूछो अपने दिमाग से, वो सारी बातें अपने आप दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगे। आइए जरा मैं आपको जनरल एंट्री के अंदर लेकर आता हूं। लेकिन इस जनरल एंट्री में आने के पहले ना आपको क्या करना होगा, 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। 2 वर्ड मेरे बच्चे, एक वर्ड आपका होता है डेबिट, एक वर्ड आपका होता है डेबिट और एक वर्ड आपका होता है यहां पे क्रेडिट। 2 वर्ड यहां पे आपके पास है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है, देखो मैं आपसे आपको अगर बताऊं कि डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब होता है तो मेरे बच्चे ध्यान देना। मैं आपको बताऊं यहां पे 2 नाम, आज मैं 2 नाम को पकड़ूंगा। एक नाम मेरा एसेट्स है, एक नाम मेरा एसेट्स है और एक नाम मेरा एक्सपेंस है, एक नाम मेरा एक्सपेंस है। मेरे बच्चे इन दोनों को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, अगर हमारे बिजनेस में इन दोनों में से कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ना बोलते हैं ना, कि भैया ये हमारा इतना बढ़ गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो गया। मेरे बच्चे उसी तरीके से अकाउंटिंग में जब ये 2 नाम बढ़ेंगे ना तो हम इनको बोलेंगे आपका डेबिट हो जाना, डेबिट आपका। ध्यान देना मैं बात कह रहा हूं, मैं आपको इस 2 वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं, इस 2 वर्ड का क्या मतलब होता है। फिलहाल इन 2 वर्ड को मैं इनके ऊपर से बता रहा हूं। अगर हमारे बिजनेस में कोई भी एसेट्स या कोई भी एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो आप उसको इंक्रीज नहीं बोलना, बोलना कि भैया डेबिट हो गया, डेबिट हो गया। और मेरे बच्चे इनमें से कोई भी चीज अगर आपका डिक्रीज हो गया, अगर इनमें से कोई भी चीज आपका डिक्रीज हो गया, नीचे की तरफ आना मतलब डिक्रीज हो गया, तो आप कहना कि ये हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट आपका हो गया। सुनो मेरी बात, एसेट्स और एक्सपेंस आप कोई भी नाम लो ना, जरा बताओ हमने एसेट्स का मतलब क्या बताया था। सर जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, जैसे कि बताओ जरा आपका मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका डेटर्स हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, कुछ भी मेरे बच्चे, कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि वो डेबिट आपका हो गया, डेबिट हो गया। और इनमें से कोई भी चीज अगर आपका डिक्रीज करेगा तो आप कह देना क्रेडिट हो गया। याद रखना मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं
जो बदमाश लोग होते हैं कुछ अलग अलग बातें आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप उनके बारे में नहीं सुनना, बस मेरी बात समझना। मैं आपको बहुत गहराई तक आपको लेके चल रहा हूं, आपको इतना मास्टर बना दूंगा इस अकाउंटिंग में कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। देखो ना, हमने कहा कि एसेट्स और एक्सपेंस अगर ये इंक्रीज कर गया तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और डिक्रीज तो क्या, क्रेडिट करूंगा। कोई भी बात कर लो, कोई भी एक्सपेंस आपका, आप देखो ना, फॉर एग्जांपल लिखिए मेरे साथ यहां पे, एग्जांपल नंबर वन आपका लिखेंगे यहां पे। मान लो मैं कहता हूं कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, अगर इंक्रीज इन मशीन, मान लो आपके पास मशीन जो है वो इंक्रीज हो गया, तो क्या बोलेंगे, सर मशीन एसेट से इंक्रीज करना डेबिट किया जाएगा। आप कह देना कि ये डेबिट हो गया, मतलब इंक्रीज इन मशीन, इतना वर्ड यूज करने के बजाय बोल देना मशीन डेबिट हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो कहता है कि आपका इंक्रीज हो रहा है, लिखते चलो आप यहां पे मेरे साथ, आपको मैं बिल्कुल ध्यान से लेके चल रहा हूं। कहता है कि इंक्रीज इन कैश, अगर आपके पास जो बिजनेस में कैश है, और हाँ ये सारी बातें हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, सीओसी, मान लो ये हमारे बिजनेस का आपका फर्म का नाम है तो इनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चे, अगर आपका इनका कैश बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, जी हमने डेबिट करना है, डेबिट हो गया आपका, डेबिट हो गया। अगर मान लो इंक्रीज हो रहा है, अगर मान लो इंक्रीज हो रहा है क्या, इन फर्नीचर, अगर इनके पास जो फर्नीचर है वो बढ़ गया, सर कैसे बढ़ जाएगा, परचेज किया होगा। अरे परचेज करूंगा तो नहीं बढ़ जाएगा, हमारे पास 5 लाख का फर्नीचर था, 1 लाख का और परचेज किया तो 6 लाख का हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। तो अगर फर्नीचर हमारा इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और भी नाम बताओ ना, बस मुझे आज तो समय बर्बाद करना आपका, आप बताओ, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया क्या जी, बैंक में, आपका बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है इंक्रीज कर गया तो आप क्या बोलेंगे, डेबिट करेंगे, आप यहां पे डेबिट करेंगे। और भी बोलते चलो, और भी बताओ जरा, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है किसमें जी, इन डेटर्स, मेरे बच्चे डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। डेटर्स मतलब क्या, जिनसे हमें पैसा लेना है, ये बात मैं पहले आपको समझा चुका हूं। अगर डेटर्स इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप कोई भी नाम, और ये तो एसेट्स की बात हो गई। आओ जरा एग्जांपल नंबर टू में मैं यहां पे अब कुछ एक्सपेंस की बात करता हूं। मान लो हमने कहा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन रेंट, आपका जो रेंट है, आपका जो रेंट है वो बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, पे किया होगा। अगर मैं रेंट पे करूंगा तो बढ़ जाएगा, तो मेरे बच्चे रेंट इंक्रीज किया तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मैंने कहा ना अभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई भी दोनों चीज में इंक्रीज होगा तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको हम इंक्रीज या बढ़ना नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं डेबिट हो जाना आपका। कहता है कि आपका मान लो इंक्रीज आपका हुआ जी, इंक्रीज हुआ इन सैलरी, अगर सैलरी मान लो इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे आपका, डेबिट करेंगे, अगर हम डेबिट करेंगे। और मुझे बताओ अगर मान लो इंक्रीज हुआ कमीशन, हमने कोई कमीशन पे किया तो मेरे बच्चे कमीशन जो एक्सपेंस है वो हमारा बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे आपका। मान लो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मैं ये वर्ड भी पहले बता चुका हूं, अगर मान लो डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, बताओ अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो डेप्रिसिएशन भी तो हमारा एक्सपेंस है, जिस वैल्यू को मैंने यूज कर लिया, जिस वैल्यू को यूज कर लिया मेरा एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन का बढ़ना भी क्या किया जाएगा जी, डेबिट किया जाएगा। सर ये डेबिट क्या है, मत सोचो ज्यादा, अभी बस इतना समझो कि एसेट्स एक्सपेंस बढ़ गया तो कोई अकाउंटिंग वाला बंदा मिलेगा तो बोलना कि हमने डेबिट किया, बस। और जरा आ जाओ कुछ मुझे और समझाने का मन कर रहा है। मान लो कहता है कि इंक्रीज इन परचेजेस, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं जो अभी तक वर्ड हमने डिस्कशन किया हुआ पहले। परचेजेस का मतलब क्या होता है जी, रॉ मटेरियल का परचेज करना, रॉ मटेरियल, मेरे बच्चे रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया ये हमारा एक्सपेंस होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना हमारा एक्सपेंस होता है, और इसका इंक्रीज होना हम क्या करेंगे जी, तो डेबिट करेंगे आपका, डेबिट करेंगे। अच्छा बताओ, मान लो अभी और कुछ नाम लो, मान लो कहता है इंक्रीज इन बैड डेट्स, इंक्रीज इन बैड डेट्स, याद कीजिए हमने बैड डेट्स का मतलब क्या बताया था, बैड डेट्स का मतलब होता है आपका मतलब जो पैसा डूब गया,
हमने जो गुड्स भेजा था डेटर्स को, अगर डेटर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो पैसा डूब गया, हम उसे क्या बोलेंगे? आपका इंक्रीज इन बैडेट्स, यानी कि आप यहां बोलेंगे जी डेबिट, ये सारे मेरे बच्चे डेबिट किए जाएंगे। तो याद रखना, कोई भी एसेट्स हो दुनिया का या कोई भी एक्सपेंस हो, अगर आपके बिजनेस में बढ़ेगा तो आप इसको डेबिट करेंगे। और मेरे बच्चे ठीक उल्टा अगर इंक्रीज के बदले में मान लो आपका डिक्रीज होता है, मान लो ये डिक्री, ऐसे कर दूं क्या, मैं एक काम करूं, चलो लिख दिया, अब कैसे चेंज करूंगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लो। जरा मुझे बताओ अगर आपका मशीन, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री लिखेंगे आप यहां पे, अगर आपका डिक्रीज होता है इन मशीन, बताओ जरा मशीन की वैल्यू डिक्रीज कर गई। देखो ना मशीन एसेट्स है, डिक्रीज करने को अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये लैंग्वेज है, इंक्रीज करना डिक्रीज करना, तो डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैश इंक्रीज किया तो डेबिट बचे, और कैश अगर मान लो डिक्रीज कर गया, डिक्रीज इन कैश, बताओ कैश का डिक्रीज करना क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना। आपको इसको दिमाग में बैठा लेना आज की क्लास में। अगर मान लो फर्नीचर बढ़ गया तो डेबिट किया, अगर फर्नीचर आपका डिक्रीज कर गया, डिक्रीज इन फर्नीचर, अगर डिक्रीज किया तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, आपको है ना, क्रेडिट बोलेंगे, क्रेडिट हो गया। बैंक में जो पैसा है बढ़ गया तो हमने डेबिट किया, और अगर बैंक में पैसा कम हो गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सर बैंक से पैसा कैसे कम हो जाएगा? क्यों, आपके मम्मी पापा बैंक से पैसा निकालते नहीं है क्या? नहीं निकालते हैं क्या? सर निकालते हैं। तो बैंक में जो पैसा, अगर उसमें से निकाल दिया गया तो कम हो जाएगा, तो हम अकाउंटिंग में क्या बोलेंगे? क्रेडिट कर दिया आपका। डेटर्स का बढ़ना डेबिट है, और अगर मान लो डिक्रीज हो गया डेटर्स में, डेटर्स आपके कम हो गए, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और आइए, रेंट का बढ़ना डेबिट किया था, अगर मैं कहता हूं कि डिक्रीज हो जाए रेंट, यानी कि जो आपका एक्सपेंस है अगर वो डिक्रीज कर जाए, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे आपको, ठीक है ना। ये देखो, सैलरी बढ़ना डेबिट, तो डिक्रीज जो होगा सैलरी में, उसको हम क्या करेंगे? आपका क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर। आप देखो, इंक्रीज इन कमीशन आपने डेबिट किया, तो डिक्रीज इन कमीशन, अगर कमीशन मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर कम होगा, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना। आगे बढ़ना डेप्रिसिएशन का बढ़ना डेबिट होगा, तो मेरे बच्चे अगर डिक्रीज होता है डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन कम होता है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सर ये कैसे कम होगा, मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल लिखो ना। अगर हमने परचेज किया, इंक्रीज इन परचेज डेबिट, अगर आपका डिक्रीज होता है इन परचेज, अगर आपका डिक्रीज होगा मतलब रॉ मटेरियल कम होगा, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे आपका। अगर बैडेट्स बढ़ गया तो डेबिट करेंगे, मेरे बच्चे अगर डिक्रीज हो गया बैडेट्स, जितने नाम जानते हो, हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लिखो, साथ साथ लिखने से आपको फायदा होगा, क्योंकि बातें अब आपके दिमाग में बैठने शुरू हो गई है। आप ध्यान रखना, कोई बाहर वाला पूछ दे कि डेबिट क्रेडिट किया है, तो आप उनको कहना कि भैया हमारे अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस के बढ़ने को हम डेबिट करते हैं, और आपका ये जो आपका एसेट्स एक्सपेंस कम होना, हम क्रेडिट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सर हाँ, ये तो बात सर ठीक है, लेकिन बताओ ना सर, जनरल एंट्री क्या होता है? सर एंट्री, आज जरा पहले हमने इस वर्ड का मीनिंग समझ लिया, इस वर्ड का मीनिंग और भी आगे बातें निकलेंगी मेरे बच्चे, मैं पहले इनको मिटा के अब मैं आपको जनरल एंट्री करने का तरीका समझाता हूं। अभी बात मैं फॉर्मेट की नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेट में नहीं जाना चाहता, बस आपको समझाना चाहता हूं कि जनरल एंट्री जो होता है वो कैसे बनाई जाती है। ये देखो, मैं पहले लिख दूं, हमने अभी बताया था, मैं भूल गया, जरा बताओ कि हमारा जो एसेट्स होगा और जो हमारे एक्सपेंसेज होंगे, जरा बताओ, ये दोनों अगर इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे बच्चों? किस नाम से पुकारेंगे? सर डेबिट, हमने इसको डेबिट किया। और अगर ये नाम मान लो डिक्रीज हो गया, अगर ये नाम कम हो गया, तो हम किस नाम से पुकारेंगे? सर क्रेडिट करना आपका। तो इनका बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होगा, ये मैंने अलग से लिख दिया, क्योंकि अब मैं आपको जनरल एंट्री सिखाता हूं। याद रखना, जनरल एंट्री में आने के पहले मेरे बच्चे आपको डबल एंट्री सिस्टम का मतलब अब तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, डुअल एस्पेक्ट, एक क्या आया क्या गया वो बताओ, और दूसरा उसके पीछे का रीजन आपका। आइए मैं आपको दिखाऊं ये काम कैसे करेगा। अब शुरू करेंगे, आप लिखेंगे मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे, हेडिंग डालेंगे मेक जनरल एंट्रीज,
कहता है कि मेक जर्नल एंट्रीज, आपको एंट्रीज बनाना है इन फॉलोइंग केसेज, इन फॉलोइंग केसेज, जो केसेज मैं आपके सामने रख रहा हूं इन केसेज में मेरे बच्चे आपको एंट्री पास करना है कि आखिर एंट्री आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। याद रखना एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा और इनका घटना क्रेडिट होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, देखो जरा लिखेंगे आप यहां पे इसके अंदर में एग्जाम्पल नंबर वन, आपका एग्जाम्पल नंबर वन। अच्छा ये एंट्रीज किसके बुक में कर रहे हैं, तो आप लिखना यहां पूरी बात लिखो इन द बुक ऑफ फर्म। हम बात फर्म के बुक में कर रहे हैं मेरे बच्चे, पूरा अकाउंटेंसी जो आपको सिखा रहा हूं वो एक एक बिजनेस के लिए सिखा रहा हूं, वो बिजनेस अगर एक फर्म है तो फर्म के लिए, कंपनी तो कंपनी के लिए। तो आप ध्यान देना कभी भी आप किसी बिजनेसमैन यानी कि मालिक के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, आप उस फर्म उस कंपनी के लिए स्टडी कर रहे हो। तो आप जरा मैं बताऊं कि एंट्रीज जो होगा इन द बुक्स ऑफ फॉर्म कैसे बनेगा, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म आपका सुनो ध्यान से। देखो मैं कुछ इंग्लिश में लिख रहा हूं, पहले आपका इंग्लिश में कहता है कि यहां पे फर्म, फर्म आप मेरे साथ लिखेंगे परचेज्ड, फर्म परचेज्ड, परचेज्ड। कहता है कि मशीन, मशीन कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, 1 लाख एंड एंड पेड इन कैश, एंड पेड इन कैश, एंड पेड इन कैश। मेरे बच्चे कहता है कि आप ध्यान देना यहां पे फर्म ने एक मशीन परचेज किया और मशीन परचेज करने के बाद उसका पेमेंट उसने कैश में कर दिया। मेरे बच्चे दो डबल एंट्री सिस्टम में वो दो नाम हमें यहां पे पहचानने हैं जिनके बीच में ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है। तो जरा चेक करो यहां पर हुआ क्या, ये देखो आप, आपने जब मशीन परचेज किया और आपने पेमेंट कर दिया कैश में, तो जरा बताओ कि फर्म के पास, फर्म के पास क्या आया, बताओ फर्म का क्या बढ़ा। सर मशीन बढ़ गया, सर मशीन परचेज हुआ ना सर, तो मशीन बढ़ गया। मतलब मैं लिख रहा हूं आपको, आप बहुत छोटे बच्चे, आज की क्लास में सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा बड़े हो जाओ फिर तो मैं बहुत दौड़ लगाऊंगा। देखो फर्म ने क्या किया, फर्म का मशीन बढ़ गया बच्चे, तो मैं प्लस करते हुए दिखाऊंगा। बताओ फर्म में मशीन कितने का आया, 1 लाख रुपीज का, 1 लाख का, ठीक है। चलो मान लो फर्म ने क्या किया जी, आप दुकान में गए और आप दुकान में जाकर एक आपने मशीन परचेज कर लिया, मशीन कितने का है, 1 लाख का, तो मानता हूं मशीन आपके पास आ गया। लेकिन बताओ ना मशीन जब आया तो फर्म से गया क्या, फर्म ने क्या पे किया, सर कैश पे किया। गलत बोल रहा हूं क्या, अरे कह तो रहा है कि मशीन जो परचेज किया उसका पेमेंट आपने कैश में किया है। तो अगर मैंने मशीन परचेज किया और कैश में पेमेंट किया तो मेरे बच्चे मशीन आया लेकिन कैश मेरे पास से चला गया, कैश मेरे पास से चला गया, कितना कैश चला गया होगा, 1 लाख का। ऑब्वियस बात है जितने का मशीन परचेज किया उतना ही तो कैश जाएगा। याद रखना आज की क्लास में कोई इफ और आपके दिमाग में नहीं आएगा कि सर ये होगा तो क्या करेंगे, वो होगा तो क्या करेंगे, ये विषय बात की बात है बच्चे। आज तो हम अभी सीखना शुरू किए हैं और कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो उस समय इफ और दिमाग में नहीं आने देते, सिर्फ विश्वास करते हैं कि जो आदमी आपको सिखा रहा है वो आपसे बड़ा है, वो पक्का है कि आपको अच्छा ही गाइड करेगा। विश्वास करने की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं ना हूं इस तरीके का, लेकिन विश्वास आज की क्लास में कम से कम लो मेरे 1 घंटे के लिए। तो देखो हुआ क्या, अगर फर्म जिसके बुक में हम एंट्री कर रहे हैं अगर उसने मशीन परचेज किया और कैश में पेमेंट किया तो मशीन आया और कैश चला गया बच्चे। देखो ये मशीन का बढ़ना कैश का घटना ये तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, ये हम और आप जानते हैं, मुझे इस बात को अकाउंटिंग में दिखाना है, अकाउंटिंग में। देखो मैं क्या करूंगा, जरा जल्दी से बताओ इस दो में कौन सा नाम बढ़ रहा है, सर मशीन बढ़ रहा है। आप बताओ मशीन आपका क्या है, एसेट्स है, मशीन क्या है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी है, मशीन आपका एसेट्स है। तो आप बताओ एसेट्स का बढ़ना क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। तो पता मैं एंट्री क्या करूंगा, देखो मैं इसके जनरल एंट्री बना रहा हूं, मैं अकाउंटिंग में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर मशीन, मशीन और आगे में मैं अकाउंट लगा दूंगा। सर आगे में अकाउंट क्यों लगाओगे, इसका रीजन आगे बताऊंगा, बट याद रखना जितने भी नाम आप अकाउंट्स में यूज करोगे जनरल एंट्री के अंदर में उसके आगे अकाउंट नाम लगाना, रीजन क्या है आगे बताऊंगा। तो मशीन अकाउंट, अब जरा बताओ मशीन बढ़ा कि कम हो गया, सर बढ़ गया, तो आपको डेबिट करना होगा, यानी कि आप इसके आगे क्या करेंगे, लिख देंगे डेबिट,
डेबिट। जरा बताओ मशीन कितने से डेबिट हो गया, 1 लाख से। तो लिखो ना यहाँ पे 1 लाख, आपने 1 लाख से बढ़ा दिया, 1 लाख से बढ़ा दिया। पर बच्चे जब मशीन आया ना तो कैश चला गया आपके पास से, देख रहे हो कैश चला गया। मुझे बताओ कैश जो हमारे हाथ में था वो भी हमारा क्या था? सर वो एसेट्स था। सर कैश भी हमारा एसेट्स था। आपने सर बताया तो था सर कि जितने चीजें हमारे पास आज हैं जो हमें आगे बेनिफिट दे सकते सब हमारे एसेट्स होते हैं, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, फर्नीचर हो, डेटर्स, कुछ भी आपका। तो जो कैश हमारे पास था मेरे बच्चे वो भी हमारा एसेट्स होता है। अगर आपका कैश चला गया, ये देखो कैश पे कर दिया, तो बताओ कैश पे करने से आपका कैश बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया, कम हो गया मेरे बच्चे, डिक्रीज कर रहा है। तो आप बताओ एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे आपका। तो मैं यहां पे क्या करूंगा जी, मैं यहां क्या करूंगा, ध्यान सुनना, मैं आगे इसको चेंज करूंगा। मैं यहां पे क्या करूंगा, कौन सा कैश ना, तो मैं बोलूंगा कि कैश अकाउंट, कैश आपका जो है अकाउंट, एसी फॉर अकाउंट हो गया शॉर्ट में, हम फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं लेकिन एसी शॉर्ट में अकाउंट को बोलेंगे। और आपने क्या बोला जी, ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिट आपका, बोलो कितने से आपका? 1 लाख से। 1 लाख से हो गई बात, हो गया। अरे हमने मशीन परचेज किया, ये एक एक नर्सरी क्लास का मेरा बच्चा भी बता सकता है आपका, मतलब कोई भी बता सकता है कि यार अगर मान लो हमने मशीन परचेज किया होगा और कैश पे किया होगा तो हमारे पास क्या होगा जी, मशीन आएगा। और क्योंकि कैश पे कर दिया तो मेरे पास जो एसेट्स पड़ा हुआ था कैश, वो चला गया मेरे पास, चला गया कैश, अब चला गया। तो हमने क्या किया जी, आपका मशीन बढ़ गया और कैश चला गया। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ। तो मैंने क्या किया, ये आपको यहां पे दिखाया, मशीन डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट। यहां पे देखो इंक्रीज डिक्रीज वर्ड है ना, हमने हटा दिया, हमें अकाउंटिंग में इसको क्या बोलना होता है, डेबिट और क्रेडिट। सर ऐसा क्यों होता है बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। अब देखो ये जो चीज मैंने लिखा ना बच्चे, जो मैंने ये चीज लिखा ना, मैं इसको और भी एक, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देना चाहता हूं, मैं इसको एक और भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट देना चाहता हूं। देखो वो फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को देखो कुछ ऐसे हम प्रेजेंट करेंगे। नजर यहां डालो आपका, जरा बताओ इसमें क्या बढ़ गया, मशीन बढ़ गया। तो देखो मैं एंट्री क्या करूंगा कि मैं यहां पे मशीन जो है ना, मैं इसी को दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं। मैं यहां पे क्या करूंगा, मशीन अकाउंट और डेबिट जो इतना बड़ा है ना, हम उसके जगह पे कर देंगे डीआर। मेरे बच्चे डीआर शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है डेबिट का, आप सुन रहे मेरी बात, डेबिट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीआर। और ये हमेशा होगा है ना, डीआर का सर आर तो कहीं आ ही नहीं रहा, डेबिट में आर कहां है, छोड़ो ना, हम उसका बताएंगे रीजन क्यों ऐसा होता है। लेकिन आज दुनिया वाले आपसे पूछ दें कि यार आपने डीआर क्यों लिखा, डीआर क्या होता है, तो बोलना कि डेबिट का आपका शॉर्ट फॉर्म है, हमारे सर ने बताया है। तो एंट्री क्या बन गया, मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट। देखो जिसको भी आपको क्रेडिट करना है ना, जैसे कैश को क्रेडिट करना है, तो हम लोग जनरल एंट्री में क्या करते हैं, ध्यान सुनना मेरे बच्चे, जिनको भी आपने करना है क्रेडिट, तो हम उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते, हम क्या करते हैं नीचे में, क्योंकि आपका क्रेडिट जो होगा वो नीचे, डेबिट वाली बातें ऊपर लिखी जाएंगी, क्रेडिट वाली बातें नीचे लिखी जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो कैश है ना, इसके आगे लगा दूंगा ऐसे टू और कह दूंगा कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट आपका। पर बच्चे ध्यान सुनना, क्रेडिट वर्ड हम यहां पे नहीं लिखेंगे, अगर किसी नाम के साथ टू लग गया, किसी नाम के साथ टू लग गया तो आप समझना वो क्रेडिट में पोस्टिंग हो रहा है, वो क्रेडिट किया जा रहा है। और ये आपका अमाउंट कितना है जी, 1 लाख, और यहां भी कितना हो गया आपका, 1 लाख। अभी प्लीज दिमाग में इफोर मत आने देना, और आप मुझ पर गुस्सा भी नहीं करना कि सर सारी बातें एक बार में क्यों नहीं समझा रहे हो, क्यों बार बार आप चेंज कर रहे हो स्टेटमेंट को, क्योंकि मेरे बच्चे ये हमारे अभी समय की ये रिक्वायरमेंट है, ये समय कहता है कि नहीं जी पहले आप छोटी छोटी बातों को पहले समझो फिर आप दौड़ लगाना शुरू करो। उन्हीं विषय की बातें मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। हमने तो ये कहा कि भैया मशीन अकाउंट जो आपने डेबिट किया तो हमने क्या बोल दिया, मशीन अकाउंट, डेबिट को सिर्फ डीआर कर दिया। हमने कहा कि जो क्रेडिट में नाम आपको लिखने हैं, आप उस नाम के आगे क्रेडिट लगाने के बजाय आप टू लगा देना, टू का मतलब क्या होगा जी, क्रेडिट को रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट को। और मेरे बच्चे ये देखो यही तैयार हो गया आपका यहां पे जनरल एंट्री, ये हमारा तैयार हो गया जनरल एंट्री, इसी को हम बोलते हैं जनरल एंट्री, एक लैंग्वेज है।
मुझे पता है कि आज ये लैंग्वेज बड़ा टफ लग रहा होगा, बड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन ये बच्चे का खेल होगा। आज ही की क्लास में बताऊंगा, आज देख लेना, अभी से काउंट करो अगला आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर में इस एंट्री को आपके अंदर में इस तरीके से भर दूंगा कि आप दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। आज तो बस मैंने इतना कहा, आज तो मैंने बस इतना कहा कि पहले याद रखना हमेशा ऊपर में क्या लिखा जाएगा, डेबिट की बात है। ऊपर में क्या लिखा जाएगा, डेबिट की बात है। नीचे में क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट की बात है। और टू लगने का मतलब क्या है जी, टू का मतलब होता है एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जाता है, इसका मतलब क्या कि क्रेडिट आपका किया गया है। टू का मतलब जो ब्लू में लिख रहा हूं ये आपको समझाने के लिए है। तो आपका एंट्री बन गया मशीन टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिटेड, डीआर फॉर डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में, मशीन अकाउंट डेबिट किया मतलब हमारा क्या हुआ जी, मशीन हमारा डेबिट यानी कि बढ़ रहा है। तो मेरे बच्चे मशीन बढ़ रहा है और कैश हमारा कम हो रहा है, कैश कम होना यानी कि टू कैश क्रेडिट आपका किया गया। यही मैंने आपको दिखाया, आपको समझाया, सारी बातें इसी के इर्द गिर्द चलेंगी। आज हम दो आइटम को सिर्फ पकड़े हैं। आओ जरा मैं एग्जाम्पल नंबर टू दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर टू लिखना, आगे कहता है फर्म ने, फर्म परचेज, सारी बातें हम फर्म को लेके करेंगे। फर्म परचेज, पहले यहां पे क्या मशीन था ना, अब कहता है कि बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग फॉर रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का आपने बिल्डिंग परचेज किया। और कहता है कि एंड पेड इन कैश, एंड पेड इन कैश, और उसने 5 लाख रुपए कैश में पे कर दिए। 5 लाख की आपने बिल्डिंग परचेज की और वो सारा का सारा पेमेंट आपने कैश में कर दिया। बोलता बताओ आप इसकी एंट्री कैसे पास करोगे। मेरे बच्चे एंट्री पास करने के लिए वो दो नाम आपको ढूंढना पड़ेगा जिसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो उस दो नाम में मुझे तो दिखा बिल्डिंग आना और कैश जाना। और ये एक बात बताऊं, आपके घर में अगर दादी माँ है ना, दादी माँ जो मतलब आप गलत नहीं मानना, लेकिन अगर वो दादी माँ जो पहले के जमाने की थोड़ी कम भी अगर पढ़ी लिखी है, उनसे भी पूछ दो, अगर आप उनसे भी पूछ दो कि जरा बताओ जी कि बिल्डिंग परचेज किया मेरे पापा ने, बिल्डिंग परचेज किया मेरे पापा ने, तो बताओ हमारे पास क्या आया, घर में क्या आया, बिल्डिंग आया, प्रॉपर्टी आई, हमारी एसेट्स आए, और पापा ने क्या पे कर दिया, कैश पे कर दिया, तो कैश चला गया। ये कौन सी बड़ी बात है। अरे अरे आप छोड़ो ना, मैं दादी माँ की कहाँ बात करता हूं, मेरा अभी 6 महीने का बच्चा है। उस 6 महीने के बच्चे से आज मैंने सुबह में पूछा कि बताओ जरा कि मैंने आपके लिए टॉय लेकर आया, खिलौना, खिलौना उसको खेलना था, बोला कि टॉय लेकर आया, जरा बताओ हमारे घर में क्या बढ़ा क्या घट गया। वो बोला कि पापा टॉय बढ़ गया, तो यानी कि एसेट्स घर में आ गया, है ना, खेलेगा मेरा बच्चा, और कैश चला गया। उसको भी बात पता है कि जब हम कोई सामान लेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हुआ जी, बिल्डिंग आया और कैश चला गया। मेरे बच्चे बताओ ना, मैं पहले आपके सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि हमारे बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, बताओ क्या बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ा कि कैश बढ़ा। सर बिल्डिंग बढ़ा, तो प्लस दिखाओ कि प्लस आपने बिल्डिंग में किया है। बिल्डिंग हमारे बिजनेस में बढ़ा है जी, कितने का, 5 लाख का, आपका 5 लाख रुपए से बिल्डिंग बढ़ा है। और बताओ बिजनेस से क्या चला गया, क्या चला गया, सर कैश चला गया। तो आप यहां बोलेंगे कि देखो जी हमारे बिजनेस में से कैश माइनस हो गया, कैश माइनस हो गया। मेरे बच्चे दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों ही एसेट्स हैं, लेकिन एक एसेट्स मेरे पास आ रहा है, एक जा रहा है। आप दुकान में जाते हो ना चॉकलेट खाने के लिए, पापा के पॉकेट से पैसा चुराते हो, मुझे पता है ये बात, और चुरा के आप जाके चॉकलेट परचेज करते हो। तो आप बताओ जब परचेज किया तो आपके पास क्या आया, चॉकलेट आया, आया ना, और क्या चला गया, कैश चला गया। वही तो बातें कर रहे हैं कि बिल्डिंग आया और कैश चला गया। मुझे बताओ अगर मैं यहां पे अकाउंट इसको, ये तो हमारा हो गया आपका सिंपल लैंग्वेज, ये हमारा हो गया, लिख दो यहां पे जनरल लैंग्वेज, ये तो ऐसे, ये जनरल लैंग्वेज है, ये तो कोई भी बोलता है। जरा बताओ अगर मैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेकर आऊं, अगर मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, तो जरा बताओ बिल्डिंग का इंक्रीज करना, बिल्डिंग का बढ़ना मतलब एसेट्स का बढ़ना। आप बताओ बिल्डिंग अगर बढ़ेगा, अगर एसेट्स बढ़ेगा तो क्या बोलोगे, डेबिट या क्रेडिट। सर एसेट्स का बढ़ना डेबिट कहा जाएगा,
आप ये बात, आप ये नहीं कहना कि मैंने समझाया नहीं है, और अभी अभी हम समझेंगे, आज मास्टरी हो जाएगी, बस स्लोली मेरे साथ दिमाग लेके चलो। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि इफ और दिमाग में मत आने दो आपका, इफ और नहीं तो ठीक है। मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में आ रहा हूं। अगर मान लो यहां पे हमारा क्या हुआ जी, बिल्डिंग बढ़ गया, तो मेरे बच्चे बिल्डिंग यानी कि एसेट्स का बढ़ना डेबिट किया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा जी, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बिल्डिंग और हमेशा इसके आगे क्या लगाएंगे, अकाउंट, एसी मतलब अकाउंट। ये क्यों लिखा जाता है बाद में बताऊंगा। बताओ बिल्डिंग अकाउंट को आप क्या करोगे, सर डेबिट करेंगे। अभी अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, डेबिट या क्रेडिट। अच्छा बताओ कैश अकाउंट जो आपका है, जरा बताओ कैश अकाउंट जो है उसको क्या करोगे, सर क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज हो रहा ना, ये देखो कैश यानी कि एसेट्स कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे आप। तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। बिल्डिंग का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट, ये तो हो गया मेरे बच्चे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, इसको भी बॉक्स में डाल दिया। अब मुझे इसको जर्नल एंट्री में दिखाना है। जर्नल एंट्री यानी कि वो लैंग्वेज जो आप दुनिया से बोलोगे कल को बड़े हो जाने के बाद, तो आप क्या बोलोगे जरा बताओ, पहले क्या लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट वाला। सर पहले डेबिट वाला, जर्नल एंट्री में पहले वो नाम आते हैं जो डेबिट में आते हैं। तो जरा बताओ कौन सा डेबिट में आ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट। देखो मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट को और इसके आगे डेबिट लिख दो, क्या लिख सकता हूं, लेकिन जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, डीआर फॉर डेबिट आपका। जहां भी डीआर दिख जाएगा किसी नाम के आगे, बोलना कि इसका मतलब कि डेबिट आपका हो रहा है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो क्या मैं कैश अकाउंट सीआर क्रेडिट लिख दूं क्या, ना, हम क्रेडिट वाले आइटम को कैसे दिखाते हैं जी, जो भी क्रेडिट में नाम लिखना है उसके पहले हम यहां पे टू लिखते हैं, जो भी नाम आपको क्रेडिट में लिखना है उसके आगे टू लिखते हैं और फिर इस नाम को टू कैश अकाउंट। ये लैंग्वेज है सर, इतना टेढ़ा लैंग्वेज क्यों बनाया गया सर, जब हमें सिंपल लैंग्वेज पता है हिंदी इंग्लिश, तो फिर सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है बच्चे, अभी तो आप सीख रहे हैं, और याद करो आप जब क ख ग घ ए बी सी डी आपने बचपन में सीखा था, कितनी सारी गलतियां आपने की थी, करने दो, आज भी गलती हो जानो, जितनी गलती होती है रोकूंगा नहीं, ना मैं डांटूंगा, क्योंकि गलतियां जब तक नहीं होंगी तब तक आप सीखेंगे कैसे। तो होने दो ना गलतियां आपका। अब देखो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जब हमने आपको यहां बताया था थोड़े आप परेशान हुए थे, यहां परेशानी थोड़ी कम लगी, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा नॉलेज हो चुका है। ये हमारा जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश में बोलना, ये हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज है जहां पे हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं, और अकाउंटिंग के लैंग्वेज को जनरल एंट्री में कैसे दिखाया जाएगा, मैंने ये दिखाया। आप याद रखना ये बातें आपको एग्जाम में नहीं बतानी, मैं आगे अगली क्लास से ये सब लिखना बंद कर दूंगा, बस मैं जनरल एंट्री पास करना शुरू कर दूंगा। और एक बात और देखो, जरा एक बार और देखो, डिफेंसी कितनी अच्छी लग रही है कि जहां से बिल्डिंग अकाउंट शुरू किया ना, हमने टू थोड़ा सा हटके शुरू किया, यहां से आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा होता थोड़ा सा गैप तो यहां पे और यहां पे, ताकि लोगों को पता चले कि डेबिट वाले ये पहले वाले हैं, बाद वाला क्या है जी, क्रेडिट वाला। जो पहले वाला है वो डेबिट, बाद वाला क्रेडिट वाला है ना, तो ऐसे थोड़ा गैप देके लिखेंगे। ना लिखो गैप देके तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि बच्चा और समझदार है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था। कलाकारी जितने अच्छे तरीके से दिखाओगे उतना मजा आएगा। आप जानते हो ना मेरी कलाकारी, मैं हैंडराइटिंग मेरी कितनी अच्छी है, मैं कितने अच्छे तरीके से लड़के का चित्र बनाता हूं, तो वो कलाकारी जो है ना बच्चे आपको भी लेके आने पड़ेंगे। आइए मैं अब तीसरे एग्जाम्पल में लेकर आता हूं। आज तो मैं बहुत सिंपल बातें करूंगा, धीरे धीरे मैं आपको और हाई लेवल पर लेकर चलूंगा और बातों को बहुत मस्त तरीके से हम सीखेंगे। आइए जरा अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं एग्जाम्पल नंबर थ्री। चलो हमने मशीन खरीद लिया, हमने बिल्डिंग भी खरीद लिया, और क्या खरीदने का मन करता है सर, हमें फर्नीचर परचेज करने का मन करता है। फर्नीचर आओ उसको ही परचेज कर लेते हैं। लिखो यहां पे फर्म ने परचेज किया आपका फर्नीचर। फर्म परचेज्ड फर्नीचर कहता है कि आपका फॉर रुपीज मान लो 3 लाख, 3 लाख रुपए में, और कहता है कि पेड इन कैश, एंड कहता है कि पेड इन कैश। हमने क्या किया, कैश में पेमेंट किया है,
कैश में। तो मुझे बताओ ना, मुझे बताओ जरा कि अगर मैं इसमें चेक करूं वो दो नाम जो हमारे ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं वो कौन कौन से नाम है, तो क्या बताएंगे? सर एक नाम यहाँ पे फर्नीचर है और एक नाम क्या है जी, कैश आपका है। जरा बताओ, जरा बताओ मुझे कि अगर मैं ये सब बातें लिखो, आप लिखो, आपको समझ में आएगा। जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम अपने और आपके लैंग्वेज जो अभी तक हम जानते हैं, तो बताओ फर्म ने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बढ़ा कि कम हो गया? सर बढ़ गया। तो आप क्या करोगे? प्लस, यानी कि इंक्रीज दिखाओगे फर्नीचर में होते हुए। फर्नीचर में आपका इंक्रीज होते हुए दिखाएंगे कितने से? आपका 3 लाख से, 3 लाख रुपए। और मेरे बच्चे आपने कैश में पे किया है, तो आप जरा बताओ कैश में पे किया तो कैश आया कि चला गया? सर चला गया। माइनस कीजिए कैश आपका, यहां पे कैश चला गया कितना मेरे बच्चे? 3 लाख का अमाउंट आपका। तो 3 लाख का फर्नीचर आया है। फर्नीचर हमारा क्या होता है जी? एसेट्स होता है। कैश हमारा क्या होता है? वो भी एसेट्स होता है, बट एक एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरा हमारा कम हो रहा है। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। तो अब हमें ये आपका निकल गया जी जनरल लैंग्वेज। जरा बताओ अगर मैं आपसे बात करूं अकाउंटिंग लैंग्वेज का, अगर मैं आपसे इंक्रीज डिक्रीज के बजाय पूछूं कि जरा बताओ अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, तो फर्नीचर का बढ़ना, फर्नीचर का बढ़ना मेरे बच्चे आप बताओ एसेट्स है, बढ़ना हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भैया आपका यहां पे क्या बोला जाएगा जी, आपका जो फर्नीचर है, जो फर्नीचर है जरा बताओ इस फर्नीचर को हम क्या करेंगे? आपका डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, फर्नीचर के आगे हम क्या लगा दे? अकाउंट। अकाउंट क्यों लगाते हैं, रीजन आगे बताऊंगा। और कैश आपका कम हो रहा है तो जरा बताओ कैश अकाउंट अगर कम होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट आपका, क्रेडिट आपका, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एसेट्स बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होगा। फर्नीचर बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, कैश कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे आपका। ये हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज आपका हो गया, अकाउंटिंग लैंग्वेज आपका हो गया। ये हमारा जनरल लैंग्वेज था, ये हमारा अकाउंटिंग। अब मैं इस अकाउंटिंग लैंग्वेज को किस चीज में दिखा रहा हूं? जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में बताओ कैसे करेंगे? ये देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है तो हम लोगों ने पहले डेबिट वाली बातें लिखनी है। तो आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को आपने यहां पे क्या लिख दिया? DR, यानी कि डेबिट। DR का मतलब डेबिट आपका होता है। और जरा बताओ आपने कितने का फर्नीचर परचेज किया? 3 लाख का। तो 3 लाख से ये एंट्री आ जाएगी, 3 लाख से फर्नीचर आपका डेबिट हो गया। मेरे बच्चे कैश हमारा क्रेडिट करना है, तो हम जब कोई भी चीज जो क्रेडिट करना होता है उस नाम के आगे थोड़ा सा इधर करते हुए क्या लिखेंगे? टू कैश ना, तो हमने क्या बोल दिया? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। हाँ, अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट। और कितना जी? 3 लाख। स्वाभाविक सी बात है, अगर 3 लाख रुपीज आपके पास फर्नीचर के आए हैं तो 3 लाख कैश गए भी तो हैं, तो आपका क्या होगा जी? ये आपका बढ़ा, ये कम हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड मतलब कि आपका हो गया जी इंक्रीज करना। और कैश अकाउंट आपका क्रेडिटेड, हम जो क्रेडिट में करना है उसके आगे क्रेडिट लिखने के बजाय क्या लिखते हैं? टू। तो टू कैश अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो गई। बताओ ये कौन सी बड़ी बात है? क्यों मेरे बच्चे ये बात नहीं समझ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ भी आपके पास बढ़ गया, कोई भी एसेट्स, तो मेरे बच्चे कोई भी एसेट्स अगर आपके पास बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। घटना क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे आपका, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट को बढ़ाता हूं। अभी तक क्या हुआ? 3 नाम जो बताए, इस तीनों एसेट्स को जो हमने परचेज किया मेरे बच्चे, पेमेंट कैश में किया, कैश में किया। बैंक से भी तो पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? अरे अगर मुझे फर्नीचर परचेज करना है, अगर मुझे बिल्डिंग परचेज करना है, अगर मुझे क्या बोलते हैं आपका इक्विपमेंट परचेज करना है, प्लांट परचेज करना है, कुछ भी बिजनेस में परचेज करना है, हम पेमेंट कैश में भी तो कर सकते हैं। और जरा सुनो ना, अगर पेमेंट कैश में होगा, सॉरी चेक में भी तो कर सकते हैं। अगर पेमेंट चेक से होगा तो फिर क्या निकल के आएगा? आओ जरा मैं आपको यहां पर बताऊं, आज जरा मैं यहां पे बताऊं क्या निकल के आएगा। लिखो मेरे साथ यहां पे। अब एग्जाम्पल नंबर 4th आपका, एग्जाम्पल नंबर 4th कहता है कि फर्म ने परचेज किया, यहां पे कहता है आपका मान लो इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मेरे बच्चे ये भी हमारा एसेट्स होता है जी, इक्विपमेंट्स हैं जो बिजनेस में यूज किए जाएंगे। तो फर्म ने परचेज किया इक्विपमेंट, कहता है कि 4 रुपीज, मान लो 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का। और कहता है कि एंड पेड, कहता है कि पेड थ्रू बैंक। वो बैंक से कह रहा है कि आपने पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं,
आप, मैं समझ चुका हूं कि मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पहले ये बात आप समझ चुके हैं कि अगर फर्म ने इक्विपमेंट परचेज किया तो जरा बताओ फर्म के पास क्या बढ़ गया, आपका इक्विपमेंट बढ़ गया। ये आपका नॉर्मल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज, इक्विपमेंट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 2 लाख से आपका। और जरा बताओ अगर पेमेंट हमने बैंक से किया तो बताओ पैसा जो हमारे हाथ में है वो कम हो गया या फिर जो बैंक में पैसा पड़ा है वो कम हो गया? बोलो ना, अगर पापा आपके बैंक से चेक से कोई पेमेंट करते हैं तो पापा के घर में जो पैसा है वो कम हो जाता है या फिर जो बैंक में पैसा वो कम हो जाता है? सर, बैंक कम हो जाता है। यानी कि मेरे बच्चे, इस बार जो आपका डिक्रीज करना है ना, वो क्या डिक्रीज करना है? बैंक में रखा हुआ पैसा। कितने से कम हो गया? 2 लाख से आपका। इक्विपमेंट आपका बढ़ गया और बैंक कम हो गया। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसी बात को अकाउंटिंग लैंग्वेज में दिखाऊं, अगर मैं इसी बात को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूं, अभी लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं, तो इक्विपमेंट बढ़ रहा है। देखो ना, एसेट्स का बढ़ना क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमें कहना है कि भैया इक्विपमेंट जो आपका है उससे हमें क्या करना होगा जी? इक्विपमेंट अकाउंट लिख देंगे। अकाउंट क्यों लिखते हैं हम बाद में बताएंगे, लेकिन हमने क्या लिखा जी? इसको डेबिट करना होगा। और क्योंकि मेरा बैंक कम हो रहा है बच्चे, बैंक में रखा हुआ पैसा भी मेरा एसेट्स है, और बैंक यानी कि एसेट्स का कम होना क्रेडिट किया जाएगा। तो आपने इक्विपमेंट को डेबिट करना है और जो आपका बैंक है, जो बैंक है उस बैंक को हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। कोई भी एसेट्स, मैंने कहा ना, दुनिया का कोई भी एसेट्स जो आपके पास है अगर बढ़ेगा तो डेबिट और घटना क्रेडिट किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एसेट्स आपका हो। अब मुझे इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है, मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? जिसको पहले डेबिट करना है उसको लिखो। तो हमने लिखा यहां पर इक्विपमेंट अकाउंट DR का मतलब क्या? डेबिटेड, हमें डेबिट करना है बच्चे, डेबिट करना है। एंड थोड़ा नीचे छोड़ते हुए जगह टू, जरा बताओ क्रेडिट किसको करना है? बैंक को ना, तो टू बैंक अकाउंट। और हर एक नाम के आगे में हम अकाउंट क्यों लगाते हैं इसका रीजन अभी मैंने आपको नहीं बताया है, आगे समझाऊंगा। बस आप इस एंट्री को करके दिखा दो। आपका एंट्री हो गया मेरे बच्चे, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एंट्री कंप्लीट आपका। बात समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं मैं चिल्लाया जा रहा हूं, मेरा गला खराब हो चुका बच्चे, सब कुछ गले का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको अकाउंटिंग सिखा दूं। मेरे जाने के बाद कम से कम लोग तो हों जो अकाउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी प्रोसेस में मैंने क्या किया, आपको समझाया कि जो बढ़ेगा आप उसको डेबिट करो, घटना क्रेडिट करो। तो आपने इक्विपमेंट को डेबिट किया एंड टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। बात समझ मारी है? तो दिस इज द वे टू पास द एंट्री, हमने ये एंट्री आपको दिखाया, चौथा पॉइंट हमने आपको कराया। आओ ना हम पांचवें पॉइंट में आपको लेकर आते हैं, और इसको मैं यहां से हटाते हैं, लिखिए जरा यहां पे, पांचवें पॉइंट में हम आते हैं आपका, लिखिए मेरे साथ यहां पे, फिफ्थ पॉइंट के अंदर में आप एंट्री करेंगे, फिफ्थ पॉइंट के अंदर में एंट्री करेंगे आप यहां पे, लिखिए मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर 5 आपका, पांचवा एग्जाम्पल आपका लिखेंगे, पांचवा एग्जाम्पल। अब बताओ मुझे ना अब थोड़ा और सोचने का मन कर रहा, मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा, बहुत सारी बातें सोचने का, और एक ही बार बार क्यों सोचे एक ही बात है आपका, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? अरे मैंने AC परचेज किया, सुनना मेरी बात, और आप मेरी आंखों में आंख देख के बात करो, बातें आपको मेरी आंखों में आंख, शेर जो होता है ना शेर, वो आंखों में देख के बात करता है। अगर आप लड़के हैं तो शेर, लड़की तो शेर नहीं, लेकिन आंखों में देख के बात करनी है मेरे साथ, आप मेरी बात सुनो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने, मतलब बिजनेस ने एक AC परचेज किया, 50,000 का था बच्चे, 50,000 का AC था, जब मैं 50,000 का AC परचेज किया और गया मैं बैंक के शोरूम में पेमेंट करने के लिए, तो मेरे पास जो कैश थे ना बच्चे उससे 20,000 रुपए थे। AC कितने का है? 50,000 का, बट कैश कितना है? 20,000। तो 50,000 में अगर 20,000 मैंने कैश में पेमेंट कर दिया तो बताओ जरा बाकी 30,000 का पेमेंट मैंने कैसे किया होगा? चेक में? अरे मैं बता रहा हूं, मुझे पता है ना, मैंने AC परचेज किया है, 50,000 का AC लेकर आया, 50,000 का AC मेरे पास आया, उस 50,000 में से 20,000 मैंने कैश में पे कर दिया, 20,000 पेड इन कैश एंड 30,000 मैंने बैंक से पे कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। देखो मैं उसको कैसे बोलूंगा, आओ जरा पांचवा लिखेंगे, फर्म
परचेस्ड, फर्म ने परचेज किया एसी फॉर रुपीज 50,000 एंड पेड रुपीज 20,000 इन कैश एंड रुपीज थर्टी थाउजेंड बाय चेक. चेक का मतलब कि बैंक से पेमेंट करना होता है. चेक से पेमेंट का इसका मतलब क्या जी, हमने बैंक से पे कर दिया. हाँ, जिसको हमने चेक दिया होगा वो चेक थोड़े खा जाएगा, वो तो चेक लेकर मेरे बैंक में जाएगा, वो बैंक से पैसा निकालेगा. तो मतलब बैंक से पैसा चला गया मेरे बच्चे. अब हमें यहां पे समझना है कि अगर मैं आपको यहां पे जनरल लैंग्वेज की बात करूं, जनरल लैंग्वेज मुझे बताओ आपका, आपके लैंग्वेज में कि आपके बिजनेस में क्या बढ़ा क्या चला गया. सर एसी आया है. तो मेरे बच्चे एसी जो आपका है ना, एसी जो है वो आपका यहां पे आपने कहा कि इंक्रीज कर गया. एसी आपका इंक्रीज कर गया कितने से, 50,000 से. आप जनरल लैंग्वेज में कैसे बोलोगे फर्क नहीं पड़ता. एसी इंक्रीज कर गया 50,000 रुपए, एसी इंक्रीज बाय 50,000, एसी बढ़ गया, आपको जो बोलना बोलो हमें फर्क नहीं पड़ता. हाँ, आपके पास से कैश चला गया, कैश आपका क्या हुआ जी, डिक्रीज कर गया. कैश जो है मेरे बच्चे डिक्रीज कर गया आपका कितने से, 20,000 से, 20,000. और देखो ना, चेक यानी कि बैंक से भी पैसा आपका कम हुआ है, बैंक से भी डिक्रीज किया आपका यहां पे कितना जी, 30,000. इस पर तीन नाम आ गए. नाम कितने भी आए क्या फर्क पड़ता है, नाम कितने भी क्या फर्क पड़ते हैं, आपको तो कॉन्सेप्ट पे समझ लेना. और हाँ, आप चिंता नहीं करना, जब भी कोई एंट्री आएगा आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये बोल रहा है. अब मैं आपको वो दिमाग देने वाला हूं, मैं कोई रट्टाफिकेशन पे बात नहीं करूंगा. जरा सुनो ध्यान से क्या हुआ. मशीन आपने 50,000 का परचेज किया, 50,000 का मशीन आपके पास आया मेरे बच्चे, लेकिन आपने जब पेमेंट किया तो 20,000 जो पेमेंट है आपने कैश में कर दिया और 30,000 आपका बैंक से. तो इंक्रीज मशीन में 50 हुआ, कैश डिक्रीज कर गया 20 से, और बैंक में जो पैसा वो भी 30 से डिक्रीज कर गया. ये हमारा क्या है जी, आपका ये हमारा जनरल लैंग्वेज है. आप मुझे बताओ इस जनरल लैंग्वेज को अगर मैं अकाउंटिंग में कन्वर्ट करूं, अकाउंटिंग लैंग्वेज का मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां पे मैं इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट कहूंगा. बताओ एसी आपका क्या है, सर एसेट्स है. तो बताओ एसी जो आपका है, सॉरी मान एसी जो आपका है, एसी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ आप क्या बोलोगे, डेबिट हो गया. एसी को हम क्या बोलेंगे, डेबिट करेंगे. डेबिट हो गया कितने से जी, 50,000 से. 50,000 से. अब बताओ कैश आपका डिक्रीज कर गया, तो बताओ कैश और डिक्रीज करना यानी कि एसेट्स कम होना क्या किया जाएगा, क्रेडिट. तो हम बोलेंगे कैश जो हमारा है ना वो हमने क्या करना है जी, यहां पे क्रेडिट करना है. कैश डिक्रीज कर गया यानी कि अकाउंट्स में क्या बोलेंगे, क्रेडिट कर गया कितने से आपका, 20,000 से. मेरे बच्चे बैंक भी तो डिक्रीज कर गया, तो आप कहेंगे कि बैंक जो है ना, बैंक जो है वो भी आपका यहां पे क्या हुआ जी, डिक्रीज किया. मेरे बच्चे बैंक भी हमारा एसेट्स है, डिक्रीज करना क्या करेंगे, क्रेडिट आपका. तो इसको भी क्रेडिट किया जाएगा. जितने एसेट्स कम हो जाएंगे सबको क्रेडिट करूंगा, और जितने बढ़ जाएंगे सबको डेबिट करूंगा. यही तो सिंपल सी बात है. पता नहीं इसमें कौन सी बात है कि आप इतने 11th क्लास में आने के बाद इस बात को आपको सिखाया जा रहा है. मैं अगर अकाउंट्स का मतलब आपके कंट्री का क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर होता ना, तो मैं इसको नर्सरी क्लास में दिखाता, क्योंकि नर्सरी क्लास की बात ही तो है, वही से एबीसीडी सीख लो जी बात बन जाता. इतना बड़ा होकर सिखाने कोई लॉजिक नहीं बनता. आओ जरा अकाउंटिंग लैंग्वेज को अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं जर्नल एंट्री में. सुनो जरा बताओ क्या बढ़ गया आपका, क्या बढ़ रहा है, एसी बढ़ रहा है, डेबिट करना है हमने. तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, एसी अकाउंट लगा देना साथ में, क्यों बाद में बताऊंगा, और डी आर फॉर डेबिट आपका. सर कोई फॉर्मेट है क्या, है फॉर्मेट, में आगे बात करूंगा, फिलहाल आप ऐसे लिखो. आप बताओ 50,000 यहां पे लिखा आपने, 50,000 याद है जब आप छोटे बच्चे थे तो हैंडराइटिंग आपकी पहले गंदी थी, फिर गंदी आपने लिखते लिखते ऐसे करो फिर साफ साफ लिखना शुरू किया. अब अच्छी हैंडराइटिंग हो चुकी है, तो अभी हम गंदे तरीके से लिख रहे हैं. हाँ, बात आपने गंदे तरीके से भी जो बचपन में लिखा था ठीक ही था, बट हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी थी. तो वही समझो कि अभी हम हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, अभी तो हम बस बातें समझ रहे हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है. तो हमने क्या कहा जी, एसी अकाउंट आपने डेबिट कर दिया,
एसी अकाउंट डेबिट। और देखो ना, हमें कैश को क्रेडिट करना है, बैंक को भी क्रेडिट करना है, तो जिसको भी क्रेडिट करना है थोड़ा सा जगह छोड़ के उसके आगे क्या लगाएंगे, टू। और क्या बोलेंगे जी, टू कैश, कैश अकाउंट, कितने से, 20,000। कैश कितना कम हो गया, 20। फिर आपको यही बोलना है, टू टू, और क्या कम हो गया, बैंक। जितने भी नाम आपको क्रेडिट में लिखने हैं, पर बच्चे जितने भी नाम आपको क्रेडिट में लिखने हैं उन नाम के आगे में टू लगाना है अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो। और जरा बताओ बैंक कितने से कम हो गया, 30,000 रुपए। लो एंट्री हो गया 50। और ये पता है डुअल, डबल एंट्री का मतलब कहा जाएगा डुअल एस्पेक्ट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट आपका हमेशा बराबर होगा। कहेंगे दुनिया वाले कि देखो जी डेबिट जो है और क्रेडिट बराबर होगा, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रूफ भी क्या, हमेशा आपका डेबिट में जितना एंट्री आएगा उतना क्रेडिट में भी आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। अरे जितना हमारे पास कुछ आएगा उतना जाएगा भी, तो सिर्फ आएगा 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 ऐसा हो सकता है कि आपने मशीन भी ले लिया और बिल्डिंग भी ले लिया कुछ दिया नहीं, ऐसा थोड़े होगा, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। तो आना जो हुआ, जो हमारे एसेट्स का आना होगा, हम उसको डेबिट करेंगे इंक्रीज करना, और जाना क्रेडिट करेंगे। करो ना, दो ना मुझे जितनी एंट्री देना है, जितने नाम लिखने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे बच्चों से मैं आपको कैसे अलग करूंगा। जब कोई एंट्री में 5-6 नाम आ जाते हैं ना तो बच्चे परेशान कि पता नहीं क्या हो गया, लग रहा है कि कौन सा संकट उनके अंदर आ गया है। लेकिन आपके पास मैं प्रूफ करूंगा कि जब 5-6 नाम आएंगे तो आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपसे ज्यादा मजा लेने वाला कोई दुनिया में होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आप बस लिख दो आपका एसी बढ़ गया, कोई भी एसेट्स बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। सर मशीन हमने मान लो लिया क्रेडिट पे, तो वो बात की बात है, अभी हम क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, आप दिमाग में इफ और नहीं आने देंगे तो फिर क्यों फालतू में बातें आप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बस सुनते चलो मैं क्या बता रहा हूं। ये मैंने आपको यहां पे नाम दे दिया, ये एंट्री कम 6 में आता हूं, 6 में आपका यहां पे। और कुछ और बताओ, मैं आपके साथ लिखूं, कुछ और बताओ, बोलो कोई नाम और आपका। एक चीज और कहते हैं जी, एक और सुन लो, बिजनेस में जो कैश पड़ा था ना वो हमने बैंक में जमा कर दिया, हो सकता है ना। अरे कैश जो हमारे पास था बिजनेस में, हमने गुड्स बेच के खूब सारे पैसे रखे थे, मेरे पॉकेट में पैसा पड़ा था, ये देखो नहीं है पैसा भी, लेकिन मान लो खूब सारे पैसे, ये लो पैसा है मेरे पॉकेट में, देखो खूब सारे पैसे, बिल्कुल इतना पैसा पड़ा हुआ है। मैंने ये पैसा क्या किया, मैंने ये पैसा क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, ये भी तो हो सकता है। जरा बताओ बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ है अगर बैंक में जमा कर दो तो क्या हो जाएगा, सर बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, बिजनेस का कैश कम हो जाएगा लेकिन बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। सर देखो ना मैं लिख रहा हूं यहां पे, लिखना, कहता कि कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, कहता कि कैश जो है ना आपने क्या किया बैंक में जमा कर दिया, और कहता है रुपीज मान लो 20,000, 20,000 रुपए कैश जो है बैंक में जमा कर दिया। हम सीख रहे हैं लैंग्वेज में बच्चे, जनरल एंट्री पहला काम कैसे बनता है। तो बताओ कैश को अगर हमने बैंक में जमा कर दिया, आप बताओ कैश अगर बैंक में जमा कर दिया तो बताओ ना क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया कि बैंक बढ़ गया, सर बैंक बढ़ गया। तो आप लिखो यहां पे आपका जो जनरल लैंग्वेज है, जनरल जो आपका लैंग्वेज, ये सब लिखना, ये लिखेंगे मेरे साथ आप, इससे दिमाग आपका बैठेगा। जनरल लैंग्वेज में क्या होगा बच्चे, बैंक इंक्रीज कर गया, बैंक में जो पैसा है बैंक आपका इंक्रीज कर गया। बताओ बैंक कितने से इंक्रीज कर गया, रुपीज 20,000 से, 20,000 रुपए से। और बच्चे कैश कम हो गया, कैश जो बिजनेस में पड़ा हुआ था वो आपका डिक्रीज कर गया कितने से, आपका 20,000 से। आप नहीं समझे क्या, ऐसे समझ लो एक दुकान वाला, एक राशन वाला जो आपका गुल्लक में पैसा रखा है मेरे बच्चे, वो गुल्लक से पैसा निकालकर बैंक में जमा कर देता है, तो गुल्लक का पैसा तो कम हो गया, कैश उसके पास कम हो जाएगा, और बैंक में चला गया तो बैंक बढ़ गया आपका। तो बैंक इंक्रीज करेगा, कैश डिक्रीज करेगा। बताओ जरा मैं इसको अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा अकाउंटिंग लैंग्वेज में, आप कहना कि बैंक जो है ना
बैंक यानी कि एसेट्स का बढ़ना डेबिट किया जाएगा। बैंक को हमें क्या करना है जी, डेबिट करना है। ये बातें लिखो, मुझे पता अब आपको बोरिंग लग रहा है क्योंकि आप सीधे एंट्री पास करना चाहते हो, लेकिन अभी आपको समझना है, आपको मेरे साथ ऐसे लिखने ही लिखने हैं। बैंक आपका डेबिट हो गया और ध्यान देना कैश डिक्रीज हो रहा है, तो बताओ डिक्रीज करने को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। आपका एसेट्स का कम होना क्या बोला जाएगा, क्रेडिट। कितने से 20,000। अब आओ जरा हम इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करें, तो जरा बताओ जनरल एंट्री जब हम पास करेंगे तो हम क्या बोलेंगे जी, बैंक बढ़ रहा है मेरे बच्चे, तो बैंक अकाउंट को हम यहां पे डेबिट करेंगे। बोलिए कितने से आपका, 20,000 से। 20,000 से बैंक को डेबिट करेंगे। और कैश को क्रेडिट करना है तो जिसको क्रेडिट करना है उसके नाम के आगे हम 2 लगाते हैं और क्या लिखेंगे जी, कैश। आपका कैश, हम इसका क्रेडिट नहीं लिखते हैं, हम 2 लिखने का मतलब कि हम क्रेडिट में दिखाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीजन है, आगे बताऊंगा, लेकिन आज तो बस आपको लैंग्वेज को सीखना, जैसे मैं बता रहा हूं बैंक टू कैश अकाउंट, प्लीज कॉपी कर लो आप। यहां पे बैंक आपका बढ़ गया और कैश कम हो गया, है ना बच्चे। डेबिट में आने का मतलब क्या हो गया, बैंक आपका यहाँ पे इंक्रीज कर गया, और कैश क्रेडिट का मतलब क्या, डिक्रीज हो गया, है ना। सिंपल है, लैंग्वेज है ये। एसेट्स और एक्सपेंस में कुछ भी बढ़ गया तो आप बोलना कि हम डेबिट करेंगे, और घट गया तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे आपका। ठीक है सर, सर एक बात बताओ, ये तो हुआ कैश बैंक में जमा किया, मान लो बैंक से पैसा निकाला, फिर क्या होगा, बैंक से पैसा निकालकर गुल्लक में रख दिया। अभी तो गुल्लक का पैसा, तिजोरी का पैसा अपने बैंक में जमा किया, लेकिन जो बैंक में पैसा वो निकाल के अगर हमने गुल्लक में रखा तो फिर क्या होगा। 6-7 लिख दो यहां पे, एग्जांपल नंबर 7, यहां पे एग्जांपल नंबर 7 लिखना। कैश विड्रॉन का मतलब निकालना, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कैश निकाला है कितना जी, मान लो 40,000। बच्चे बैंक से हमने कैश निकाला, बताओ ना, अगर बैंक से कैश निकाला तो जरा बताओ, अब लिखना हम कुछ कम करेंगे, जनरल लैंग्वेज में जरा बताओ कि आपका यहां देखना कैश निकाला बैंक से तो क्या बढ़ गया, सर कैश बढ़ गया। कैश हमारा क्या हो रहा है जी, यहां पे इंक्रीज कर रहा है, कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है, कितने से, 40,000 से। और क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है आपने, तो मेरे बच्चे बैंक जो आपका है ना, बैंक जो आपका है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कितने से, 40,000 से, है ना। अगर मैंने कैश निकाला 40,000 तो बैंक हमारा 40 से कम हो जाएगा। कैश इंक्रीज किया तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बैंक डिक्रीज किया तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे आपको, है ना। अब जरा बताओ इसी को अगर मैं ये बातें अब स्केप करूंगा, अब मैं सीधे ये जो हमारा था जी, ये हमारा लिख दूं मैं क्या, ये हमारा था जनरल लैंग्वेज, लिख दो आप यहां पे, जनरल लैंग्वेज में इंक्रीज डिक्रीज हम बोलते हैं। और अगर इसी को मैं अगर जनरल एंट्री में कन्वर्ट करूं, जनरल एंट्री में कन्वर्ट करूं, तो बताओ जरा हमें कैश को इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश को इंक्रीज करना है मेरे बच्चे, कैश को डेबिट कीजिए, कितने से आपका, 40,000। और बैंक आपका डिक्रीज कर रहा है, बैंक आपका डिक्रीज कर रहा है तो आप क्या करेंगे, बैंक यानी कि एसेट्स का कम होना क्रेडिट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना, 40,000। लो हो गई बातें, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया, बैंक कम हो गया, एंट्री कंप्लीट हो गई। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, आप में से कोई भी बच्चा इसमें परेशान हो रहा है या होगा, ऐसा सवाल ही नहीं बनता। हमने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया मेरे बच्चे, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि कोई भी दुनिया का एसेट्स अगर बढ़ेगा आपके बिजनेस में तो आप उसको डेबिट करेंगे और घटना करेंगे। पता ये चीजें आपको सिंपल क्यों लग रही है, बाकी बच्चों की समझ में नहीं आता। बाकी बच्चे पता क्या करते हैं, एक रूल है जो मैं कभी आपको थ्योरी में समझाऊंगा कि वो पता नहीं क्या डेबिट वार्ड कम्स इन गोज आउट, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो अननेसेसरी परेशान होते हैं, अननेसेसरी वो परेशान होते हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा कि आप सिर्फ 5 वर्ड पे कमांड कर लो, सिर्फ 5 वर्ड, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी एक्सपेंस और इनकम, ये 5 वर्ड पे कमांड, और डबल एंट्री का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो समझ लो, तो बिलीव करो आपका अकाउंट इतना सिंपल हो जाएगा कि आप अगर इंग्लिश का, हिंदी का, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का भी पेपर देने जाओगे तो आप अकाउंट ही सॉल्व करके आओगे,
ऐसा अकाउंट बन जाएगा। तो आप, मैंने इसलिए कहा कि आप दुनिया की बात नहीं मानना, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं बच्चे, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूं, मैं कोई गलत चीजें आपको नहीं सिखा रहा, आपको मैं बताऊंगा ये जो चीजें आपको जो बता रहे ना कि एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना, डेबिट घटना, क्रेडिट होगा, हम इसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब नए जमाने का अप्रोच आपका है, हम नए जमाने के हैं, हम नए जमाने के। सर आप भी नए जमाने को? हाँ मैं बुढ़ा थोड़े हो चुका हूं, अरे मैं भी इसी जमाने का हूं, क्यों मुझे अपने आप से अलग समझते हो, मैं भी आप ही के जमाने का हूं। और मॉडर्न अप्रोच में एक ही बात याद रखना, एसेट्स हो चाहे एक्सपेंस हो, कोई भी चीज अगर बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा और घटना क्रेडिट करूंगा, कोई भी नाम हो। आज मैंने अभी तक क्या किया आपको एसेट्स के बारे में बताया मेरे बच्चे, एसेट्स के बारे में बताया कि एसेट्स का बढ़ना घटना कैसे आपका होगा। आज हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे, अगली क्लासेज में मैं आपको एक्सपेंसेज के बारे में समझाऊंगा और एक्सपेंसेज और एसेट्स दोनों को लिंक करके समझाऊंगा दोनों के बारे में। बिलीव करो इस बार आज की क्लास में जितना आपको मजा आया होगा वो कुछ भी नहीं है, वो तो बकवास क्लास थी। लाइफ में सबसे बकवास क्लास ये है। मजा तब आएगा जब थोड़े हम बड़े हो जाएंगे, हम अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में आने का वेट करते हैं। तब तक आपको सभी बच्चों को बच्चे बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।